हमारा टॉपिक है आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, नॉर्मल लोगों से उनकी क्या डिफरेंट होती हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन? देखो, ये तो ऑफ कोर्स है कि डिफरेंट ही होती हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत एक सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जिसको हम यस नो या ये तीन पॉइंट्स हैं उसके अंदर आंसर ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि ये तो बड़ा एक ऑब्वियस सी बात है कि जो सक्सेसफुल माइंडसेट होता है वो ऑफ कोर्स एक लूजर माइंडसेट से बड़ा डिफरेंट होता है। लेट मी डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दीज माइंडसेट्स। सक्सेसफुल माइंडसेट जो है, सबसे पहली बात ये कि वो कभी भी आई मीन दैट माइंडसेट इज नॉट अफ्रेड ऑफ द फेलियर ऑफ लूजिंग। वो कोई डर नहीं है कि अगर मैं हार गया, और उसको पता है कि अगर हार भी गया तो ओके फाइन, ये एक रास्ता था और मैं किसी दूसरे अब कोई और रास्ता ढूंढूंगा इस काम को करने का। हार मानूंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा लेकिन हार मानूंगा नहीं, और मैं फिर एक दूसरे तरीके से स्ट्रगल करूंगा। जो लूजर माइंडसेट है, एक तो वो हर वक्त डरा हुआ है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं लूज ना कर जाऊं। और वो क्या करता है, वो इवेंचुअली वो अपनी लाइफ के अंदर रिस्क नहीं ले सकता, वो चैलेंजेस नहीं फेस कर सकता, और वो अपने आप को बिल्कुल एक जगह पे सेफ करके बाउंड करके रख लेता है, एक बाउंड्री में बंद कर लेता है, और उसको लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी बहुत सेफ लाइफ गुजार रहा हूँ। जिसके ऊपर मुझे एक बीए इंग्लिश के अंदर एक है, एक पोएम है, उसकी मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगती है। अ शिप इज सेफ इन द हार्बर, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप बिल्ट फॉर। लेट मी से इट अगेन। इसको मैंने दो जगह भी दो डिफरेंट तरीकों से पढ़ा हुआ है, आई डोंट नो व्हिच वन इज द करेक्ट वन। अ शिप इज सेफ इन द हार्बर, बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज मेंट फॉर। कि कहीं पे मेंट लिखा है, कहीं पे बिल्ट लिखा है, तो मकसद ये था कि शिप का जो काम है, जो एक जहाज, जो समुद्री जहाज बनता है, उसका काम है, उसने समंदर में जाना है, उसने लहरों से लड़ना है, और उसने तूफान देखने हैं, उसने मुश्किलात देखनी है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी होंगी उसको, ये सब कुछ फेस करना उसका काम है। आई मीन, अगर आप उसको लाकर आपने उसको बंद कर दिया है, पोर्ट पे रख दिया आपने, और आप समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शिप की लाइफ 10 साल हो गई है, तो दैट वॉज नॉट द पर्पज ऑफ बिल्डिंग दैट शिप। इट्स जस्ट लाइक कि जो एक सक्सेसफुल माइंडसेट होता है, उसको पता है कि यार मुझे समंदर में जाना है और इन सब चैलेंजेस को मुझे फेस करना है। ये हर्डल्स नहीं है मेरे लिए, रुकावटें नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। दीज थिंग्स विल नॉट मेक मी वीकर बट द स्ट्रॉन्गर। मैं जितना ज्यादा इसको फेस करूंगा, उतना ज्यादा मुझे इनको फेस करना, इनको डील करना आएगा, और उतना ज्यादा मैं स्ट्रांग होऊंगा। और एक लूजर माइंडसेट क्या ये सोचता है, वो कहता है यार कि जो एक चैलेंजेस को मैं देखूंगा तो पता नहीं, आई माइट लूज एवरीथिंग एंड आई शुड नॉट गो दैट वे। तो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। और हम एज अ नेशन, आई एम सॉरी टू से, बट वी आर मोर इन टू द लूजर्स माइंडसेट साइड। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इसकी सबसे बड़ी पहली वजह एजुकेशन सिस्टम। दे वॉन्ट लेट यू फेल एवर। दे टेल यू दैट इफ यू फेल इन योर एग्जाम, यू आर गोना फेल योर लाइफ एज वेल। Your career will be of no use. Your career will not be giving you any sort of benefit. Your family, your friends, nobody's going to respect you. But we know it. It's different in the practical life. We know it. हमारी society में आके थोड़ा different हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप class में fail हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप life में भी fail होंगे। तो हमें बचपन से बहुत डराया हुआ है कि fail नहीं होना, कोई गलती नहीं करनी, बिल्कुल on the track रहना है। लेकिन इंसानी nature ऐसी नहीं है। इस तरह से ये चीजें हैं कि हमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि फेल होने से डरने की बजाय एक जो सक्सेसफुल माइंडसेट है वो ये तरीके ढूंढता है कि डिफरेंट के जिस तरीके से वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कोई तरीका नाकाम हो जाता है तो उसको पता लग जाता है ये वो तरीका नहीं है, ये वो स्टेप नहीं है। नाउ आई शुड मूव ऑन एंड आई शुड अप्लाई अनदर थिंग। तो ही इज अ रिस्क टेकर and he is never afraid of failure. These are the two basic things that a successful mindset must have in it.